नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो देख सकते हैं आज हम लोग बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे गोभी चिली। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे गोभी ले लिया है। गोभी को हमने अच्छे से छोटा छोटा काट के इसे अच्छे से धो के सुखा लिया है। और इसमें डालने के लिए हमने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, गाजर, हरी मिर्च, ये सबको भी हमने बारीक काट लिया है। तो देख सकते हैं वीडियो में जिस तरीके से कटा है। और यहाँ पे हमने लिया है धनिया पत्ता, मैदा, अरारोट पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, थोड़ा सा कलर मिर्चा, नमक और 2 अंडा। और यहाँ पे हमने लिया है देख सकते हैं अदरक और लहसुन, इसको हमने कूट लिया है। तो चलिए गोभी में हम मिलाते हैं पहले अदरक कूटा हुआ, थोड़ा सा डालेंगे इसमें लहसुन कूटा हुआ, देख सकते हैं इस तरीके से। और हमें डालना है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया है। और इसमें डालेंगे हम अपना अरारोट पाउडर। तो हमने अरारोट पाउडर यहाँ पे पहले 3 चम्मच में बड़े चम्मच से मिला रही हूँ, कम लगेगा तो थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी इसमें। तो जितना आप अरारोट पाउडर लें उतना ही मैदा को भी ले लें। तो हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैदा को भी ले लिया है, देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, कलर वाला है ये, कलर के लिए, तीखा मिर्च नहीं है क्योंकि हमने कटा हुआ मिर्च को डालना है हरा वाला, तो इसलिए हम कलर के लिए ले लिया हमने लाल मिर्च। और यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है क्योंकि अभी जब ग्रेवी बनाएंगे इसका उसमें भी डालेंगे। और कलर के लिए हमने यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल किया है ताकि रेस्टोरेंट कलर आ जाए, जैसे रेस्टोरेंट में बना के देते हैं उस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फूड कलर ले लिया है, तो फूड कलर को इसे मिला दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो 2 अंडे लिए थे उसको हमें इसमें तोड़ के अंडे को मिला लेना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्वांटिटी के हिसाब से आप रख सकते हैं, जितना आपका है उस हिसाब से अंडे को डालें। अगर आपका गोभी थोड़ा है तो आप 1 ही अंडा डालें, तो मेरा यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसमें मैं 2 अंडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 अंडा डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे हाथों से ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाए गोभी में, तो इसे हाथ से ही मिलाएं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम हाथों से मिला ले रहे हैं और सारे मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिला दिया है, इसे हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा 5 मिनट हो गया है और बढ़िया से मिल गया है मसाला। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके गोभी को डालेंगे इसमें, देख सकते हैं कितना बढ़िया से उबल रहा है। तो इस तरीके से आपको तेल गर्म देख सकते हैं करना है कि हम डाल दे रहे हैं, तेल बढ़िया गर्म है। और इसे डाल के हमें आँच को थोड़ा सा कम कर देना है मीडियम, ताकि बढ़िया से गोभी पक जाए अंदर तक। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है, जितना आपका आए कढ़ाई में उतना ही डालें, ज़्यादा मत डालें। तो मैं यहाँ ज़्यादा तेल डाली थी कढ़ाई में, इसलिए मेरा इतना आया है। तो इसे हम थोड़ा देर में इसे हल्के हाथों से पलट लेंगे, देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे लाल हो गया था, उसके बाद मैं पलट रही हूँ। तो इसे पलट के दोनों तरफ से हमें अच्छा लाल कर लेना है और अंदर से पकना भी चाहिए दोस्तों, तो इसलिए हमें कम मीडियम आंच कर देना है थोड़ा सा गैस को, और यहाँ पे अच्छे से पका लेना है। तो देख सकते हैं हमारा गोभी पक गया है और ऊपर से लाल भी हो गया है क्रिस्पी। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निकाल लिया है टिश्यू पेपर पे, ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए। देख सकते हैं हमारा गोभी चिल्ली बनने के लिए रेडी है। तो फिर हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा लिया है तेल और डाला है थोड़ा सा जीरा। तो जीरा चटकते समय ध्यान रखें, जैसे ही जीरा चटक जाए फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमारा कटा हुआ सब्जी है, जो प्याज और शिमला मिर्च, तो वो सबको हमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए जीरा हमारा चटक गया है, तो मैं डाल रही हूँ उसमें प्याज। तो प्याज को इस तरीके से आप काटें लंबा लंबा, तो देखने में भी सुंदर लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे हमने प्याज को डाल दिया है। अब डाल दिया है हमने हरा मिर्च, जो हमने हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा लिया है, और ऐसे ही बड़ा बड़ा रहेगा मिर्चा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें
प्याज और मिर्ची को थोड़ा सा हल्का सा लाल कर लेना है, ज़्यादा नहीं लाल करना है दोस्तों, क्योंकि हमें थोड़ा कच्चा ही चाहिए, तो इसीलिए हमें फटाफट से सभी चीज़ों को हल्का हल्का भूनना है। तो यहाँ पे देखिए हमने गाजर को भी डाल दिया है, हल्का सा हमारा प्याज लाल हो गया था, उसके बाद हमने डाल दिया है साथ में शिमला मिर्च और टमाटर। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे हल्का सा, ताकि इसका थोड़ा सा पानी इसका जल जाए, बस उतना ही हमें भूनना है। तो देख सकते हैं इसे चलाते हुए हम इधर इसे भून ले रहे हैं सब्जी को। तो देख सकते हैं हमारा सब्जी तो हल्का सा भुना गया है और सॉफ्ट भी हो गया है, शिमला और टमाटर गाजर। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लिया था अदरक और लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट, तो उसे हम डाल देंगे। देखिए अदरक और लहसुन को, क्योंकि कूट के डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों, तो आप कूट के ही लें, पीसिए मत। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो देख सकते हैं इधर हमारा अदरक और लहसुन भी भुना गया है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च कूटा हुआ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने तो गोभी में भी डाला था, इसलिए हमें सब्जी के लिए केवल डालना है नमक, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर सॉस, आपके पास जो भी कंपनी का हो आप डाल दें। तो इसके बाद हमने डालना है इसमें चिली सॉस थोड़ा सा, एक बड़े चम्मच के करीब, इससे तीखापन भी आ जाएगा। और थोड़ा सा हमें डाल देना है सोया सॉस, उसके बाद हमें डालना है थोड़ा सा विनेगर, एक छोटा चम्मच, दो छोटे चम्मच हमें डालना है इसमें चिली सॉस, चिंग्स का है ये, जो कि बहुत ही तीखा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला के इसे थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अरारोट का घोल, दो चम्मच के करीब अरारोट लिया था मैंने छोटा चम्मच से, उसे अच्छे से घोल लिया था पानी में, और उसे डाल के हमें अच्छे से पका लेना है, ताकि ग्रेवी हमारा गाढ़ा हो जाए। और अब थोड़ा सा पानी और डाल दें इसमें, उसके बाद अच्छे से चला के पका लेना है। तो देख सकते हैं कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है, तो धीमी आँच में पका लें। तो देख सकते हैं हमारा कलर चेंज हो गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो इसमें डाल देंगे हम अपना गोभी जो हमने फ्राई करके रखा था। तो देख सकते हैं गोभी को भी हम अच्छे से मिला के इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे चला के, और सब्जी भी हमारा अच्छे से मिल जाए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो लीजिए हमारा गोभी चिल्ली बनके रेडी है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। तो देख सकते हैं मैं इसमें प्लेट में निकाल ले रही हूँ, और प्लेट में निकाल के मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो लीजिए तैयार है हमारा गोभी चिल्ली। अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिया है प्याज, प्याज को थोड़ा लंबा लंबा काट लें, उसे ऊपर से डाल दें, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया रख दिया है, दिखने में अच्छा लगेगा। तो लीजिए तैयार है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।